हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अप्रैल के 11 तारीख, तो मैं आज दोपहर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, तेल गरम करने के लिए रख लिया है। आप सोच रहे होंगे क्या बना क्या रही है मिठू। मैं बना रही हूँ निमकी, बंगाली में इसे निमकी ही बोलते हैं। चलिए उसका रेसिपी देख लेते हैं। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैदा ले लिया है, ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है। उसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला डाला है। फिर मैं उसके अंदर डालूंगी लगभग 1 से 1.5 स्पून तेल और कलौंजी। कलौंजी मैंने 1 स्पून लगभग डाला है, आधा किलो के लिए 1 स्पून कलौंजी बहुत है। कलौंजी पता है नागपुर में यहाँ पे मिलता नहीं, लेकिन मैं कभी भी घर पे जाती हूँ तो वहीं से कलौंजी मम्मी से बोल देती हूँ कि मम्मी थोड़ा कलौंजी ज़्यादा रख के रखना, कि मेरे यहाँ पे मतलब नागपुर में ख़त्म हो चुका है। तब जब भी मैं जाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा करके लेके आती हूँ। चलिए आटा मैंने गूंद लिया है, पूरियों के जैसा ही गूंदना है, जितना पूरी या फिर रोटी के लिए गूंदते हैं उतना ही गूंदिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लोइया बना रही हूँ, लेकिन लोइयों को बेलना आपको आटे से या फिर मैदे से नहीं, तेल से बेलना है। तो इस तरीके से मैं उसको बेल लेती हूँ। पता है तेल से बेलना नहीं होता है, शेप कुछ इंडिया मैप जैसा बन जाता है। फ्रेंड्स, मेरा भी इंडिया मैप जैसा ही बनता है, लेकिन इंडिया मैप जैसे बने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसको काट के कुछ डायमंड शेप में बनाना है। तो इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। देखिए मेरा शेप कितना गंदा निकला है, फिर भी कोई बात नहीं, सिर्फ उसको काटना ही तो है हमें। तो जितना बड़ा हो सकता है आप उतना बड़ा बेल लीजिए, क्योंकि काटने में फिर इजी होता है। तो इस तरीके से मैं काट लूँगी लगभग आधा आधा इंच दूरी पर। आपको जितना बड़ा या फिर छोटा चाहिए या फिर जो भी साइज़ के आपको पसंद होता है उस हिसाब से आप काट सकते हैं। मुझे डायमंड शेप में ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से काट रही हूँ। और जब तक मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है मैं जिस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल हमारे गर्म हो चुके हैं, मैं इस तरीके से उठा के डाल दे रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से उठा के डालना अगर पसंद नहीं है, तो आप पहले से बेल के बना के रख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउनिश करके फ्राई करके रख लूँगी। और ट्रस्ट मी गाइस, आप इसको लगभग 3 हफ्ते से 1 महीने तक रख सकते हैं एक अच्छे से टाइट कंटेनर में अगर रखेंगे। तो इस हिसाब से मैं सारा जो मैं बना लूँगी, आधा किलो मैदे से इतना सारा बना है, तो मेरा बहुत सारा स्नैक्स बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत दिनों चलेगा मेरा। गाइस आज है नेक्स्ट डे, मैं कल और वीडियो शेयर नहीं कर पाई। मैं आपको सुबह ब्रेकफास्ट में मिल रही हूँ। यहाँ पे मैंने पराठे, दाल और तुरई की सब्ज़ी बनाई, ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई काम करने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ सारा काम करने लगती हूँ। नहीं तो मैं काम करते करते ना ब्रेकफास्ट करना भूल जाती हूँ, बहुत टाइम हो जाता है, फिर 10, 11, 12 बज जाता है काम करते हुए। तो इस टाइम के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके सारा काम कर लूँ। तो उसी हिसाब से मैं सारा काम कर ले रही हूँ। गैस को सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, ऊपर की तरफ जो भी होता है वो पूरा क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग और बालकनी की क्लीनिंग वगैरह जो भी रहती है, फिर उसके बाद करती हूँ। आजकल छुट्टी आई है तो फिर धीरे से भी काम करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेरा काम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10:30-11 बजे तक मेरा पूरा काम हो चुका होता है, फिर मैं नहा धो के भी आ जाती हूँ। लेकिन आजकल मैं थोड़ा धीरे धीरे सारा काम कर रही हूँ, हाँ टाइम है ना सारा दिन। तो चलिए मैं पूरा अपना काम कर लेती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये छुट्टियाँ कैसे बीत रही है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फ्रेंड्स कमेंट करो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या देख रहे हो, आपको क्या चीज़ पसंद आ रहा है। तो देखिए किचन क्लीन करने के बाद मैं किचन टॉवल को तभी के तभी धो के रख देती हूँ, जिससे कि मेरा फिर बाद में वापस धोना वगैरह ये सब कुछ ना हो, तभी के तभी मैं धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग, बाहर की क्लीनिंग करके आने के बाद बर्तन वगैरह भी धो के रखी थी, तो उसी को मैं जगह पे समेट के रख रही हूँ।
चलिए। और उसके बाद बर्तन समेटने होने के बाद मैं यहाँ पे मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स है, जैसे फ्रिज के ऊपर, कूलर के ऊपर या फिर कहीं और मैं रखती हूँ। ये मनी प्लांट्स है पूरे, तो इसको मैं रखती हूँ, तो इसको महीने में लगभग 2 बार मैं इसको इस तरीके से धो देती हूँ, जिस जहाँ पे भी रखती हूँ। ये कटोरिया मैं इसलिए रखती हूँ कि मैं जब प्लांट्स में पानी दूँ, जो एक्स्ट्रा पानी है नीचे की तरफ आके वो कटोरी में जमा हो जाना, तो वो ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर रखेगा। तो पत्तों को इस तरीके से इसलिए धो रही हूँ मैं क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा धूल जमा हो जाता है। तो फिर इसको अगर स्प्रे से करो ना, तो स्प्रे से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं करती हूँ कभी कभी, लेकिन इधर उधर वो स्प्रे का पानी ज़्यादा, तो मैं सोची क्यों ना मैं इस तरीके से सिंक के नीचे क्लीन कर दूँ। तो इस तरीके से मैं महीने में लगभग 2 बार करती हूँ 15-15 डेज़ के बाद, क्योंकि हमेशा उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। और ये कटोरी को इसलिए क्लीन कर रही हूँ क्योंकि पानी डालते हुए इसमें पूरे मिट्टी वाला जो पानी है ना वो उसमें जमा हो गया है, तो सफ़ेद कटोरी में वो डिफरेंट कलर का दिख रहा है, तो मैं उसको धो दी इस तरीके से। तो आप लोग किस तरीके से अपने इंडोर प्लांट्स का केयर करते हो आप ज़रूर बताना, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। ये जो मैं इंडोर प्लांट्स 4-5 मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको मैं सिर्फ 2 प्लांट से इतना सारा बनाई, तो इसी से ये थोड़ा सा और लंबा हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसी से और कुछ प्लांट्स बना लूँगी। चलिए ये तो जो मेरे प्लांट्स हैं ये नहा चुके हैं, मैं इसको जगह पे रख देती हूँ। फिर मैं अभी मैं खुद नहाने के लिए जाऊँगी, उसी के लिए तैयारी करने आई मैं यहाँ पे। एलोवेरा जो प्लांट्स है उसमें से एलोवेरा तोड़ने के लिए आई, मैं खुद यूज़ करूँगी इसलिए। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दिन है नेक्स्ट, कल मैं वीडियो स्टार्ट करी थी लेकिन पूरी तरह से मैं उसको दिखाने लायक कुछ कल था नहीं, तो आज मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, लंच भी मैंने बना लिया है, घर का सारा काम कर चुकी हूँ। अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ। ठीक है, इन छुट्टियों में मेरी स्किन अच्छी तो हो रही है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर ब्रेकआउट्स निकल गए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर पिम्पल्स है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ। तो उसी के केयर करे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं भाई आपसे शेयर कर लूँ। तो आपने देखा है मैंने अभी एलोवेरा प्लांट से एलोवेरा को तोड़ा है, काटा है बोल सकते हो, तो उसी को मैं अभी यूज़ करूँगी। मैं एलोवेरा हमेशा फ्रिज में रख के यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार रखती हूँ अगर बच जाता है तो, लेकिन मैं हमेशा प्लांट से तोड़ती हूँ, तोड़ के ही यूज़ करती हूँ। और आपको पता है कि मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं एलोवेरा का, वो 2 लगाया है, क्योंकि मैं एलोवेरा बहुत अच्छा यूज़ करती हूँ स्किन के लिए, हेयर के लिए, तो उस वजह से जैसे कि एक प्लांट से अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो दूसरा वाला प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए, कि मैं एक को जब यूज़ करूँ तो दूसरा वाला बड़ा हो जाए। तो उसी हिसाब से आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, जस्ट थोड़ा सा एलोवेरा का जो पैक है इस तरीके से मैंने काट लिया है, उसको अलग अलग कर लिया है, इसी को सिर्फ पैक यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल का। वैसे मैं एलोवेरा स्क्रब भी करती हूँ, जैसे ये एलोवेरा जैसे मैंने अभी 2 भाग में अलग अलग किया, इसमें थोड़ा सा शुगर या फिर राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा रहता है उसको डाल के स्क्रब भी करती हूँ, लेकिन अभी मैं 2-3 दिन पहले ही स्क्रब करी थी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे स्किन के लिए अभी स्क्रब की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं सिर्फ एलोवेरा जेल मसाज कर रही हूँ और जस्ट इसको 10-15 मिनट रहने दूँगी पैक के जैसा, जैसे कि हमारा जो स्किन है वो ड्राई ना हो। तो मैंने तोड़ा था, कितना आपको दिखा था, इतना तो सही तोड़ा था, इतना एक फेस के लिए काफ़ी है। तो बस मैं इसी को 1-2 मिनट लगभग 1-2 मिनट में मसाज करूँगी इसी तरीके से, और फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी 10-15 मिनट रख के, 1-2 मिनट मसाज करके 10-15 मिनट में रखूँगी, रख के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आप सब लोग तो पता ही है एलोवेरा का गुडनेस, बताने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन कभी मैं स्पेशली सिर्फ एलोवेरा का मसाज जो जो मैं करती हूँ रेगुलरली एलोवेरा का टोटली मैं लेके आऊँगी, उसमें आपको डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए मैं मसाज कर लेती हूँ, फिर नहा धो के आपसे मिलती हूँ।
मैं आ गई हूँ नहा धो के, फिर मैं उसके बाद अपना स्किन केयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ टोनर यूज़ कर रही हूँ और लिप बॉम यूज़ कर रही हूँ। गर्मी के सीज़न में दूसरा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, दूसरा कुछ भी यूज़ करेंगे तो उसको पूरा चिपचिपा सा लगता है। तो मैं सिर्फ टोनर यूज़ कर रही हूँ, इवन आजकल मैं मॉइस्चराइज़र भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और फिर बस कोम कर लेंगे और मैं तैयार। गाइस मैं तो नहा धो के तैयार होके आ गई। मैं तैयार होना कुछ नहीं, सिर्फ मैंने फेस पे टोनर यूज़ किया है। और आजकल मैं गर्मियों में घर पे रह रही हूँ, मतलब फेस वॉश करके आने के बाद या फिर नहा धोने आने के बाद ना, सिर्फ मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, लिप बॉम यूज़ कर रही हूँ, कोम कर रही हूँ, हेयर को ऊपर बांध रही हूँ जिससे कि हेयर्स मेरे फेस पे ना आए, उस हिसाब से बांध दे रही हूँ बस। गर्मियों में इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो ना चिपचिपा सा हो जाएगा। तो गाइस मैं अभी लंच कर लूँगी क्योंकि अभी हो रहा है 1:00। अभी मैं लंच कर लूँगी। लंच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना है, ब्रेकफास्ट में जो बना था सब्जी दाल वही है, सिर्फ मैं अभी राइस बनाई हूँ तो उसी को मैं थोड़ा सा अभी लंच कर लूँगी, बस यही होगा। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लूँगी। और आजकल तो पता ही है 14 तारीख तक जो छुट्टियाँ था वो अभी और 2 हफ्ते बढ़ गया है, अप्रैल के 30 तक बढ़ गया है, तो उस हिसाब से छुट्टियाँ और 2 हफ्ते बढ़ गए हैं। तो और 2 हफ्ते ऐसे ही बीतेंगे, बीच बीच में मेरा जो भी ऑफिस रहेगा वगैरह वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, कैसे जा रही हूँ ऑफिस, किस तरीके से जा रही वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज का बकबक मेरा यहीं तक, मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक दीजिएगा और मुझसे हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो डिंग 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 नी वाले बेल बटन उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरी नया वीडियोस आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। बाय बाय।